It is again, as I said, it is dark, it is raw. You've chosen the theme of, you know, matlab social media and uska, you know, all the impacts around it. Ye pehle to theme kahan se aaya and how do you achieve this authenticity to it, sir? The theme came from me and Pratik Vats and Shubham. ये दोनों राइटर्स थे स्टोरी के उनके स्टोरीज थे एंड द एनर्जी टू डू द फिल्म केम फ्रॉम एकता हुज आइडिया इट वाज टू सडनली कॉल मी अप वन डे एंड से के एसडी 2 बनाते हैं जैसे नॉट टाइम इज गॉन एब्सोल्युटली आई थिंक द वर्क शोस एंड द एफर्ट शोस सो गिव इट अप फॉर दिवाकर बैनर्जी एवरीवन पुनीता फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस बिकॉज़ यू आर द फर्स्ट ट्रांस वुमन हुज प्लेड अ लीड इन अ हिंदी फिल्म So I think you shall applause and congratulations for that. आप इस जर्नी को कैसे देखते हो? Because you know we've seen the character intros. उसमें दिख रहा है, you know that you started with a job of 10 to 15,000. You are now on stage launching the trailer of your film in front of these media, you know, and the fans. It is a huge thing. I want to know about your journey. It's crazy. मेरे लिए बहुत ही huge transformation रहा है मेरी जिंदगी में. जहाँ मैं एक गांव में मैं जब थी छोटे से गांव में आई हैड लाइक आई फेल्ट लाइक ऐसा सपना तो मेरा कभी भी सच हो ही नहीं सकता है और जब आप मेहनत करते हो व्हेन योर ड्रीम्स आर स्ट्रांग आई एम श्योर एनीबॉडी कैन अचीव देयर ड्रीम्स एंड यू नो फॉर मी टू नॉट इवन जस्ट फेस स्ट्रगल्स ऑफ माय इंटरनल डिस्फोरिया आल्सो लाइक डीलिंग विद सोसाइटी वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैक्टिक रहा है कि मुझे लगता था कि मैं करियर पर तो ज़्यादा फोकस ना ही कर पाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों के साथ डील करना पड़ रहा है पर और मैं अपने सपने अपनी बहनों के जरिए जीती थी मेरी बहन ये एक्टिंग करेगी मेरी बहन मॉडलिंग करेगी क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे तो काम देगा काम मुझे तो कभी भी काम नहीं मिलने वाला क्योंकि लीड रोल तो मतलब सोचो भी मत ऐसा तो कभी नहीं होने वाला है मुझे लगा था साइड रोल मिलेगा क्योंकि मैं ऐसी ही चीज़ें इंस्पायर करती हैं मुझे जब मैंने स्क्रीन पर ट्रांस रिप्रेजेंटेशन देखी और मुझे थोड़ा एम्पावरमेंट मिला और मैंने शुरू किया और वेरी मच आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल फॉर माई ओन कम्युनिटी जिन्होंने बहुत काम किया है एंड दे काइंड ऑफ in a way paved a path for me to be strong and to find my own truth and I'm very very grateful of you know the production the Bakal sir you know ki I'm here and they found something in me that felt honest to the story and I'm very very proud to be channeling the character of Tulu because it tells a really realistic story of a majority of trans people who are facing so many things in their life and which is not even talked about very often मुझे पहली दफा बोला गया कि ये दिस इज नूर यू गॉट नूर एज लाइक बहुत सारी चीजें चल रही थी दिमाग में यू नो कि कैसे करेंगे क्या करेंगे ये करेंगे वो करेंगे बट देन आई पता नहीं मैं तो ट्रेलर देखा नहीं मैं तो पीछे था बट अभी देखना है बट जो रियलिटी शोज हैं जो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं वो सब भी देख के आई वाज लाइक वो ये क्या है यू नो तो काफ़ी कुछ करना पड़ा काफ़ी मटेरियल्स देने पड़े सीखना पड़ा ये करना पड़ा बट द ट्रांजिशन विच हैपन यू नो इन द सीन पॉलिका हेल्प मी अलॉट सो शी वॉज देयर थ्रू आउट मैं उसको दिन रात परेशान करता रहता था तो शी वॉज ऑलवेज देयर विद मी एंड देयर वाज रितेश देयर वाज राहुल सुरपमन एवरीबॉडी टुगेदर आई थिंक सब ने मिल के कुछ ना कुछ रितेश वाज आवर वर्कशॉप डायरेक्टर वी सोली मिस्ड यस यस रितेश सो आई थिंक हमने एंड एंड में सब मिल के कुछ ना कुछ मचाया है वो इट वाज मचाया है ये मचाया है या नहीं मचाया अब लोग यू नो आप एक गेमर का रोल कर रहे हो you know this film is around social media मतलब ये सब असली में हमारे हम you know हम सब देख रहे but it's Dibakar sir you know who's putting it on the big screen for the first time आपका क्या बेटा real life में भी हो gamer gamer खेलते होते हो बिल्कुल नहीं actually मैं actor बनने से पहले I was a sportsman and I wanted to pursue sports in for in my life but acting में कुछ है तो फिर social media पे आना पड़ा games भी खेलनी पड़ी खिलानी पड़ी तो क्या आपका क्या प्रेफ था बिकॉज यू नो आपने बोला कि आप पहले यू नो स्पोर्ट्स में थे जब आपको पता चला यू नो गेमर का करना है एंड यू नो इतना इंटेंस है इतने इमोशंस है इतना रॉ है आपका क्या प्रेफ था उससे मैं सोशल मीडिया यूज नहीं करता था मुझे सोशल मीडिया के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता था 2023 के मार्च तक बट देन मैंने जैसे सोशल मीडिया ज्वाइन किया सोशल मीडिया के ऊपर मेरी एंड
उसके बाद प्रेप के लिए मेरे पास रितेश सर जिसने ट्रेन किया था हमारा एक्टिंग कोच, उन्होंने बहुत सारे रेफरेंसेस यूज किए थे एंड दिबाकर सर ऑल्सो, मतलब उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी. एंड गेमिंग कहा गया था कि रियल में खेलो तो रियल में खेल रहे थे गेम्स लाइफ में. अमेजिंग सर. मतलब LSD, यू नो इट्स अ बिग फ्रेंचाइज, यू नो एवरीवन नोज इट. 2010 इट बिकेम अ कल्ट फिल्म. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद द दिबाकर बैनर्जी? Absolutely. We were all thrilled. I was personally completely thrilled. I'm like, Dibakar sir, because the workshop इतना intense रहा है हमारे लिए, डेढ़ महीने का workshop रहा है, और उसने like it was completely emotionally draining throughout the whole experience. You have to kind of live the character इतने दिनों के लिए. तो लगा कि अगर workshop इतना ज़्यादा hectic है तो sir के साथ काम करना कितना आएगा, मतलब करने वाली है हमारी. पर I remember the first day हम लोग गए थे, मैं बहुत ज़्यादा nervous थी और दो तीन टेक किए हैं सर की, लाइक ओके नेक्स्ट डे हम लोग लाइक आई वी श्योर लाइक हो गया सर, बिकॉज मेरे को लगता था कि मैं और कर सकती हूँ और कर सकती हूँ. मैं हमेशा क्रिटिकल रही हूँ सर, बट इट वेंट रियली ग्रेट सर. वाज सो सो अमेजिंग टू मी एंड नेवर हैव आई फेल्ट प्रेशर्ड और स्ट्रेस्ड बाय एनी मींस, यू नो. एंड इट वाज वेरी काम एंड कंपोज. आई एम सो ग्रेटफुल कि आई हैड सच एन एक्सपीरियंस. नो पॉइंट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द शो आई फेल्ट लाइक कि it's too much, you know. The scenes were intense sometimes, I would be very nervous, but I never felt pressure from sir. So he gave me such incredible space to work on every scene and I'm so grateful of that. But for that, we both have to thank Ritesh a lot. Absolutely. Because beech mein khada hua tha dal loge. Absolutely. Ritesh sir has worked incredible on each of us and it's just like amazing work. So I think we should have a round of applause for Ritesh sir. Absolutely. Yeah, yeah, give it up for Ritesh sir. Ritesh sir! जिन्होंने वर्कशॉप्स ऐसे किए कि जब ये दिबाकर सर के पास गए कि हमको मिली है, तो उन्होंने बोला अब तो वर्कशॉप्स में ये हुआ था, अब क्या होगा हमारे साथ. बट एब्सोल्युटली ग्रेट दिबाकर सर, यू नो एकता मैम एंड यू, यू नो इट्स अ डेडली कॉम्बो. फर्स्टली जब LSDD आई थी, यू नो डेडली कॉम्बो विच इज राइट. या एग्जैक्टली, मतलब इट्स अ गुड वे, इट्स अ डेडली कॉम्बो. यू नो द वे यू शो, जो सच्चाई दिखाई है, यू नो यू आर नॉट शाइंग अवे फ्रॉम इट. एंड इतने इमोशंस दैट यू नो these guys are having, you know, the mental breakdown, everything. आपका एकता मैम के साथ क्या conversation था, you know, because it's a pressure that LSD one was such a cult. उन्होंने क्या आपको बोला कि यार LSD two बनाना है, किस level पे ले जाएंगे? ऐसे कुछ जब LSD two बनाने की बात आती तब तो किसी level की बात आती है. उसके बाद हमने पहले सोचा कि सारी कहानियाँ मिल जाएं. तो कुछ कहानियाँ, कुछ कुछ थी शुरू में. एकता वॉज कन्विंस्ड अबाउट वन, मे बी नॉट कन्विंस्ड अबाउट द अदर टू. देन प्रतीक और शुभम आ गए, उन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी कहानियाँ आगे करी. तो फिर उसके बाद हम सबको जब तीनों कहानियाँ जब हमने सेट कर ली, उसके बाद स्क्रिप्ट रखे गए. आफ्टर दैट एकता के साथ एक प्रोसेस चलता है मेरा कि वहाँ पे स्क्रिप्ट पढ़ के, नरेशन पढ़ के, क्या क्या चीज़ें हैं कोर मुद्दे की वो डिस्कस कर लेते हैं. फिर उसके हिसाब से अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो चेंजेस कर लेते हैं. फिर उसके बाद अगले स्टेप स्टेप पे जाते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर डिसाइड करते हैं, फिर आगे चलते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर आगे चलते हैं, फिर लड़ते हैं, आगे चलते हैं, फिर लड़ते लड़ते आगे चलते चलते बहुत. Amazing. I think give it up for Ekta Kapoor, everyone. I think a perfect producer, and I think we have a winner in our hands. 19th April, एक हफ्ते बाद LSD 2 in cinemas.